यामा की बाइक को भगाने का अलग ही मजा है अपना। बहुत प्यारी बाइक है इसका इंजन गाइस, मुझे इतना पसंद है, इतना रिफाइंड इंजन है इसका और बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यामा की बाइक में। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा मज़ा आता है यामा की बाइक को भगाने। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दोस्तों हमारे पास है ये एक हेलमेट और एक चिन माउंट जो आप देख रहे हैं, इसमें एक कैमरा होल्डर भी है और ये दोस्तों हमारे साथ है एक हेडफोन, ये आप देख रहे हैं हेडफोन। आज है हमारा पहला मोटो ब्लॉग और हम जा रहे हैं अपना अपना पहला पहला ब्लॉग शूट करने के लिए। भाई जी हमारा सेटअप पूरा इस तरह से हो गया है, ये आप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने पहले मोटो ब्लॉग की तरफ। तो गाइज आज के पहले मोटो ब्लॉग को मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सोहित चौहान और मैं एक रामपुर से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है सोहित चौहान ब्लॉग नाम से, तो वहां पे आप जा करके हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल सोहित चौहान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, ये गाइस देखिएगा मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और पता नहीं आपको सामने का व्यू कैसा आ रहा होगा, अगर अच्छा है तो मुझे ज़रूर आप बताना। और आप देख पा रहे हैं आज का ये हमारा पहला मोटो ब्लॉग है और अभी हम ये दिखा रहा हूँ मैं आपको अपने गांव के रास्ता। और ये आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा एक गाँव रहने वाला है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस तरह से मेरा मतलब गांव रहेगा और आप देख पा रहे हैं। तो अब लुक कैसा आने वाला है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आगे चलकर हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून 21 एनीवेयर। तो गाइज आप देख रहे हैं और अब हम आ चुके हैं अपने गांव से थोड़ा हाईवे पर हट करके। तो दोस्तों भी हैं, अगर आपको वॉइस मेरी सही आ रही हो तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। तो दोस्तों आज ही हमारा पहला मोटो ब्लॉग है और मैं अगर बात करूं इस ब्लॉगिंग की तो गाइज इस फील्ड में मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आज ही मेरा पहला ब्लॉग है। तो भाइयों आज ही मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रो दे दूँ। तो गाइज मेरा नाम है सोहित चौहान, मैं रामपुर ज़िले से हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं एक जॉब करता हूं और हो सकता है तो अगर आप लोगों का मतलब ऐसी प्यार रहा तो मैं जॉब को मतलब मैं अपने क्विट कर दूं और फिर मैं आने वाले समय में एज ए प्रोफेशनल फिर मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। तो दोस्तों आज ही हमारा पहला मतलब मोटो ब्लॉग है और आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे को कुछ भी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आज क्या है वो कि मैं आपसे क्या बोलूं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ गाइज आज का व्यूज आप देखिएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तो गाइज सोहित चौहान ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सोहित चौहान ब्लॉग। सो गाइज आप देख पा रहे हैं तो गाइज आज के ब्लॉग में मैं फिलहाल तो आपको अपना इंट्रो ही दूंगा क्योंकि दोस्तों ये मेरा आज पहला ब्लॉग है। और इस मोटो ब्लॉग में अगर आपको व्यूज में अगर कोई भी समस्या आपको आ रही हो तो गाइस प्लीज़ मुझे आप बताएं क्योंकि मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग में फिर अपना कैमरा सेट करूंगा। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि अभी तक तो फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो मुझे आप बताएँ। तो गाइज आप देखिएगा हम जा रहे हैं रामपुर आजम खान की यूनिवर्सिटी के पास में, हम उधर से होकर के निकलेंगे और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कुछ लोग इस तरह से रहेगा। तो गाइज मतलब आज मुझे मतलब मोटो ब्लॉगिंग का पहला ब्लॉग
पहला ब्लॉग बनाते समय बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मेरे को बहुत ही एकदम मज़ा आ रहा है। और आज ही मेरा पहला मोटो ब्लॉग है तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं आज क्या बोलूं और मैं क्या ना बोलूं। तो गाइज प्लीज़ मुझे आप टिप्स मुझे अवश्य दें और हो सके गाइज तो हमारे आप चैनल सोहित चौहान ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सोहित चौहान ब्लॉग। गाइज ये आप देख पा रहे होंगे ये आजम खान साहब की ये यूनिवर्सिटी यहाँ से शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये तो ये यहाँ से शुरू ये हो गई है यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी अच्छी मतलब इधर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये आज के ब्लॉग कुछ इस तरह से रहने वाला है। हम आपको दिखाएंगे देख रहे हैं मेरे ऊपर सामने ये देखिए रामपुर शहर इस तरह से ये है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है और जी हाँ मैं आपसे इस पुल की बात कर रहा था। तो इस पुल को दोस्तों आजम खान साहब ने इसको बनवाया था। तो अब देखते हैं पुल पे थोड़ी सी अपनी एफजेड की पावर को। और दोस्तों अगर आपको विंड की आवाज़ आ रही हो अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही हो तो मुझे आप बताएं। मेरे को पता नहीं है वैसे कि हवा की आवाज़ आएगी तो दोस्तों मुझे आप बताएं। गाइस ये अपनी एफजेड कुछ इस तरह से है 80+80 हो चुकी है। गाइस मुझे आप बताना ना भूलें। बस 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 मेरी धन्नो बस 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 मेरी धन्नो बस 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 बस। गाइस यामा की बाइक को भगाने का अलग ही मजा है अपना। बहुत प्यारी बाइक है इसका इंजन गाइस मुझे इतना पसंद है। इतना रिफाइंड इंजन है इसका और बहुत ही स्मूथ है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यामा की बाइक में। ओहो क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बड़ा मज़ा आता है यामा की बाइक को भगाने। तो गाल गाइस आने वाला सपना तो अपना कुछ और ही है। तो अगर आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा और अगर आपकी दुआ रही तो आप ज़रूर हम अपने पसंदीदा वाला बाइक लेंगे। तो आज ही मेरा पहला मोटो ब्लॉग है और पहले मोटो ब्लॉग में क्या क्या सेटअप की मुझे आज रिक्वायरमेंट हुई वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा कि जो सबसे पहले जो आपका रिक्वायर्ड एसेट रहेगा वो रहेगा आपका एक अच्छे क्वालिटी का मतलब आपका हेलमेट। क्योंकि गाइज आप सब चीज़ में थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस दूंगा कि आप हेलमेट में आप बिल्कुल भी आप मतलब आप कंजूसी ना करें। हो सकता है तो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का हेलमेट आप ले लें क्योंकि आई थिंक गाइज मतलब 2000 में आपको बहुत अच्छा हेलमेट मिल जाएगा। तो गाइज हो सकता है तो आप उसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। दूसरा जो आपका सेटअप में जो आपकी एसेसरीज है वो आपकी आती है एक चिन माउंट। तो दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का मतलब आप चिन माउंट लेना चाहते हैं तो आपको आई थिंक आपको 300 रुपये में या फिर 350 रुपये में वो आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने 349 रुपये में मैंने इसको मतलब फ्लिपकार्ट से मंगाया था। अगर तीसरे हम सेटअप की बात करें तो वो हमारा आता है एक अच्छा सा आपका कैमरा होल्डर या फिर आप उसे मोबाइल होल्डर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वो जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो उसका मतलब होल्डर है और जो चीज़ होती है उसके हिंजिस गाइज ऐसे होने चाहिए जो कि वो सामने कैमरा को बहुत अच्छे से होल्ड कर ले और उसमें कोई भी इशू ना आए। तो इस तरह के सब कुछ आपका सेटअप पूरा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास माइक नहीं है तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा जो कि मैं हालांकि अभी यूज कर रहा हूँ वो है आप मतलब 50 से 100 रुपये की आप अच्छी सी एक आप ईयरफोन ले लें और फिर उससे अच्छे से सेटअप कर लें तो वो भी बहुत अच्छा काम कर जाती है। मैं अभी फ़िलहाल उसी से बात कर रहा हूँ। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन आपको आए तो मुझे प्लीज़ आप बताना। अगली बार में हो सकता है फिर अच्छी क्वालिटी का एक माइक या फिर मैं एक ईयरफोन ले लूँगा। तो इस तरह से ये सेटअप रहेगा सेटअप रहा। तो आई थिंक अगर मैं इस पूरे सेटअप की बात करूँ तो गाइस लगभग 1900 के आसपास मतलब मेरा हेलमेट रहा और 349 का अपना माउंट रहा और 50 रुपये की आपकी हेलमेट रही। तो कुल मिला के आप मोटे मोटे मान सकते हैं कि मतलब 2700 के आसपास अपना पूरा 2700 रुपये में अपना पूरा सेटअप ये एकदम बन गया।
गाइस ये फर्स्ट मोटो ब्लॉग है ये हमारा, और एक्सपीरियंस हमें खास है नहीं तो बस आप लोगों की प्यार के वजह से बस बाहर निकल आए हैं अपनी बाइक लेकर के। सो पता नहीं बहुत से लोग होते हैं मतलब अपने मोटो ब्लॉग में बहुत बहुत अच्छा बोल लेते हैं वो लोग, और यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है गाइस, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोलूँ और मैं क्या ना बोलूँ। मौसम बहुत अच्छा है गाइज आपका, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा मौसम है, क्या मौसम है, बहुत ही शानदार मौसम रहा आज का गाइज। एक नॉइज की मेरे को प्रॉब्लम उस टाइम लग रही थी, लेकिन मैंने अभी उसको सही किया है, तो हो सकता है शायद अब आपको नॉइज मेरी एकदम प्रॉपर आ रही हो। तो गाइज कभी अगर आप रामपुर से हैं और आप मोटो ब्लॉग करते हैं तो प्लीज़ मेरे को आप कांटेक्ट करें, मैं भी आपके साथ मतलब मोटो ब्लॉगिंग करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं आपसे गेन कर लूँगा। ये देखिए ये है आज़म खान का हमसफ़र, ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये आज़म खान साहब का हमसफ़र। गाइस मैं अगर अपनी बाइक की बात करूँ तो मेरे पास ये अपनी यामा की एफजेड एस वर्जन 2 है, और ये मेरे पास काफ़ी ओल्ड मॉडल है फिलहाल तो, लेकिन इसका पिकअप गाइज आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, मतलब यामा की बाइक्स का पिकअप माशाल्लाह होता है, माशाल्लाह बहुत ही शानदार पिकअप है गाइज गाइज आज भी इस बाइक का। और तो मेरे पास ये बाइक कुछ इस तरह से है, लगभग 8 साल का इस बाइक का मेरे को एक्सपीरियंस है, और 8 साल में मैंने इस बाइक को गाइज आप लगभग 80,000 किलोमीटर मैंने बाइक को अपना मतलब चला दिया है, तो 80,000 और प्लस 8 साल, तो इतना इतना एक्सपीरियंस है मुझे इस बाइक का, इस बाइक का तो मैं इसकी बूंद बूंद से बाकी हूँ, तो इतना मुझे इस बाइक का एक्सपीरियंस है। तो गाइज मोटो ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छी लगी मेरे को आज, बहुत ज़्यादा एंजॉय मतलब मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात है जो सामने का व्यू है एकदम आपको मस्त आ रहा होगा, एकदम बिंदास रैपचेक धांसू सॉलिड एकदम आ रहा होगा। देखिए गाइस कुछ इस तरह से ये लुक है बताऊँ, और इस तरह से ये हमने अपना कैमरा सेटअप किया है। तो ये रहा हमारा आज का पहला मोटो ब्लॉग, और मोटो ब्लॉगिंग के फील्ड में दोस्तों अब सोहित चौहान ब्लॉग पे आपको मोटो ब्लॉगिंग के आपको ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो गाइज सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर आपने सोहित चौहान ब्लॉग को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सोहित चौहान ब्लॉग फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइज मतलब बातों में हम आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी पर आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे ये है उनकी यूनिवर्सिटी, और इसका लिंक मतलब मैं आपको दे दूंगा, और मैं देखिएगा ये आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी है, और ये छोटे से बच्चे हमारी तरफ ये मतलब जा रहे हैं। मैं अभी आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे, और अपना पेट्रोल मैं डलवा लेता हूँ, उसके लिए मुझे कैमरा खोलना पड़ेगा, कोई गाइज यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल। चलो ओ गाइज फिर हमें गाइज यहाँ पे हमें फिर से खाली हाथ जाना पड़ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, और अब मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बाइक में इतना पेट्रोल है नहीं जो मैं घर तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आराम से जाऊँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे मतलब मैं अपने घर तक मतलब मैं पहुँच जाऊँ। बाइक के साथ मेरा गाइज एक्सपीरियंस है, और मैं अपनी बाइक को ज़्यादा नहीं एक्सीलेट करता हूँ, एक्सीलेट करने से कुछ फ़ायदा है नहीं मेरे को, एक्सीलेट करना गाड़ी का अच्छा नहीं लगता है इस तरह से, मतलब आप बेवजह नहीं करना चाहिए ना, अगर कोई काम है तो अगर आप जल्दी में हो तब तो आप कर सकते हैं, कोई नहीं है कोई इशू नहीं है, लेकिन बेवजह गाड़ी को आप एक्सीलेट कर रहे हैं तो उसका कोई फिर मतलब नहीं बनता है। आज के ब्लॉग हमारा ऐसे ही रहा, और आज का ब्लॉग अगर गाइज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल सोहित चौहान ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है।